दोस्त, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है। यहाँ के रहने वाले रविंदर नाम के लड़के की शादी 2 महीना पहले सोना नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद सोना अपने पति के साथ ससुराल में ही रह रही थी। एक दिन की बात है, जब सोना का पति बरामदे में बैठा हुआ था, तभी मौका देखकर सोना उसके पास आ गई और मायूस होकर बोली कि मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे हमारे मायके में छोड़ दो। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनते ही पति रविंदर मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो तो चिंता मत करो, जाकर तैयार हो जाओ, आज ही मैं तुम्हें ले जाकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलवा लाता हूँ। अब इधर जैसे ही पत्नी सोना नहा धोकर तैयार हुई तो पति रविंदर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल यानी उसके मायके के लिए रवाना हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब इधर जैसे ही पति रविंदर अपनी पत्नी सोना को लेकर उसके मायके यानी अपने ससुराल पहुंचा तो परिवार के सभी लोग देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए और तुरंत सेवा सत्कार में जुट गए। कुछ समय सेवा सत्कार करने के बाद जब परिवार के सभी लोग रिलैक्स हुए तो रविंदर की जवान सास मैना रविंदर के पास आई और घर का हालचाल पूछने लगी। हालचाल पूछने के दौरान अचानक मैना का दिल अपने दामाद रविंदर पर आ गई, लेकिन वह बेटी के डर से कुछ नहीं बोली और तुरंत वहां से वापस अपने रूम में चली आई। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। उधर रविंदर भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और आराम करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद रविंदर अपनी पत्नी सोना के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि आज रात तो तुम हमारे पास सो जाओ, क्योंकि सुबह होते ही मैं घर चला जाऊंगा। तो वे कहने लगी, क्या करूं बाबू, मन तो हमारा भी बहुत कह रहा है, लेकिन कहीं मम्मी पापा देख लेंगे तो फिर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए आज रात तुम अकेले लेट जाओ। जिसके बाद वे कहने लगा, ठीक है, अगर तुम लेट नहीं सकती हो तो एक बार हमारे बिस्तर पर आकर मिल तो सकती हो। तो वे कहने लगी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूंगी तुमसे मिलने के लिए। इस तरह की बातें रविंदर अपनी पत्नी सोना के साथ कर रहा था, तभी पीछे से उसकी सास वहां पर पहुंच गई और चुपके से खड़ी होकर दामाद और बेटी दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने लगी। अब जैसे ही रविंदर की सास मैना रविंदर की बातों को कुछ देर तक गौर से सुनी तो उसका भी मन डोल गया और वह जवान दामाद से मिलने के लिए बेचैन हो गई। फिर क्या था, वहां से वापस रूम में आकर बेटी सोना के सोने का इंतजार करने लगी, जिसके बाद अब माँ और बेटी दोनों एक दूसरे के सोने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी कारणवश बेटी सोना जल्दी सो गई। बस इसी का फायदा उठाते हुए रविंदर की सास मैना चुपके से अपने बिस्तर से उठी और दामाद रविंदर के रूम में पहुंच गई तो देखा रविंदर सो रहा है। जिसके बाद मैना चालाकी दिखाते हुए रूम का लाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट गई और हरकतें करने लगी। तो वह जाग गया, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण वह देख नहीं पाया कि हमारी पत्नी है या कोई और। जिसके बाद वे अपनी सास को पत्नी समझकर 61-62 करने लगा। इसी बीच उसकी जवान पत्नी सोना की आंख खुल गई और वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, पति से मिलने का वादा किया था और खुद ही सो गई, वो हमारी इंतजार कर रहे होंगे। सोचकर सोना तुरंत अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव अपने पति रविंदर के रूम में पहुंच गई तो देखा कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा देखकर उसी को शक हुआ और शक के आधार पर तुरंत कमरे का लाइट ऑन कर दिया। अब इधर जैसे ही सोना कमरे का लाइट ऑन किया और अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को पति के साथ इस अवस्था में देखकर वे शर्मा गई और खरी खोटी सुनाने लगी। कुछ देर लौटने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वे अपने पति रविंदर को लेकर वहां से वापस अपने बिस्तर पर चली आई और लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो बिना नाश्ता पानी सोना अपने पति रविंदर को लेकर मायके से वापस घर चली आई। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें।